हेलो गाइस, दिस इज अमित एंड वेलकम टू सिविल कॉलेज यूट्यूब चैनल। तो पिछले सेशन में हमने बात की थी फील्ड टेस्ट के बारे में। फील्ड टेस्ट के बारे में हमने पढ़ा था कलर टेस्ट, फिजिकल प्रॉपर्टी टेस्ट और उसके सीमेंट के, और बात करें सीमेंट की स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ सीमेंट। लेबोरेटरी टेस्ट में सबसे पहले पढ़ते हैं हम फाइननेस टेस्ट। मेनली सीमेंट की प्रॉपर ग्राइंडिंग है सीमेंट के पार्टिकल की कि नहीं है, वो चेक करने के लिए हम लैब में फाइननेस टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो ये क्या है, किसके लिए कर किया जाता है? यूज्ड टू प्रॉपर ग्राइंडिंग of cement which has direct effect। किसको direct effect करेगा? proper grinding नहीं होगी तो cement की rate of hydration and rate of gain of strength। और ये किसके लिए पता करने के लिए किया जाता है कि सीमेंट में कितनी कोर्सनेस है सीमेंट में। इट इज डिटरमाइंड हाउ कोर्सनेस प्रेजेंट इन सीमेंट। ठीक है दोस्तों, तो इसको कैसे, प्रोसीजर क्या है इसका? प्रोसीजर देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 100 ग्राम सीमेंट लेंगे। टेक 100 ग्राम ऑफ सीमेंट और उसका क्या करेंगे, 100 ग्राम सीमेंट लेके एंड प्लेस्ड ऑन IS नंबर 9 शिव पर रख देंगे, जिसका की साइज 90 माइक्रोन भी स्पेसिफाइड रहता है, 9 नंबर की जो शिव रहती है IS। अब उसका क्या करेंगे, परफॉर्म सीविंग अबाउट 15 मिनट तक उसकी सीविंग करेंगे। अब क्या देखेंगे सीविंग के बाद में, कि जो रेजिड्यू रिटेन हो जाएगा सीव पर उसको देखेंगे रिजल्ट में। तो कैसे, क्या लिखेंगे, रेजिड्यू ऑफ सीमेंट ऑन सीयू, किसके लिए, फोर ओपीसी शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10% बाय वेट ऑफ सीमेंट। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ये ओपीसी के की बात हो गई। तो ये आपका फाइननेस टेस्ट के बारे में हमने बात की। अच्छा, एक आरएचसी और रहता है सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, उसमें C3S की क्वांटिटी ज्यादा रहती है और फाइनल ग्राइंडिंग रहती है उसकी, तो उसको हम रैपिड हार्डनिंग की जहां जरूरत पड़ती है, जैसे कि इमरजेंसी रोड वर्क वगैरह में जल्दी हार्डनेस चाहिए, तो उसके लिए हम इसमें फाइननेस देखते हैं। 4 RHC शुड नॉट बी ग्रेटर देन 5%। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बात करेंगे हम फाइननेस टेस्ट में ही। ये तो आपका फाइननेस टेस्ट में आगे बात करेंगे। पहले तो हमने अब बात करी सीव टेस्ट की, अब नंबर 2 पे बात करेंगे हम ब्लेंस एयर परमिएबिलिटी टेस्ट की, ब्लेंस एयर परमिएबिलिटी टेस्ट की। अच्छा, इसमें क्या करते हैं, ब्लेंस एयर परमिएबिलिटी टेस्ट में ये क्या है कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया भी बताता है सीमेंट का, स्पेसिफिक सरफेस एरिया।
ठीक है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया भी बताता है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया किसमें बताया गया, सेंटीमीटर पर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम में। अच्छा, इसको कैसे करते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लैब में एक रहता है हमारे पास यू ट्यूब मैनोमीटर। अच्छा, ये हम पहले इसको बना लेते हैं, यू ट्यूब मैनोमीटर रहता है ये यहाँ रहता है टी जॉइंट। अच्छा, यहाँ लगा रहता है आपका कॉनिकल सॉकेट, कॉनिकल सॉकेट। अच्छा, यहाँ रहता है आपका स्टॉप कॉक रहता है यहाँ। अब यहाँ आपका रहता है रबर बल्ब। अच्छा, ये आपका यूट्यूब मैनोमीटर, यहाँ ईच डर लाइन रहती है 1 2 3 4, ये लाइन रहती है इसमें, ये आपका टी जॉइंट है। और इसमें क्या रहता है, एक रहता है परमिएबिलिटी सेल, इसमें रहती है एक परमिएबिलिटी सेल। अच्छा, और इसमें रहता है आपका ये परमिएबिलिटी सेल में सीमेंट कॉम्पैक्टेड सीमेंट बेड, ठीक है, ये कॉम्पैक्टेड सीमेंट बेड रहता है आपका। अच्छा जी, और इसमें ये परमिएबिलिटी सेल हो गया, और इसमें एक रहता है प्लंजर, प्लंजर रहता है इसमें। ये प्लंजर है, प्लंजर, ठीक है, और ये है आपका परमिएबिलिटी टेस्ट सेल, परमिएबिलिटी सेल। अच्छा, यहाँ पे एक रहती है इसमें जो रखते हैं परमिएबिलिटी सेल में, ये परफोरेटेड डिस्क रहती है एक। अच्छा, ये आपका हो गया यूट्यूब मैनोमीटर। अच्छा, ये हो गया रबर बल्ब। अच्छा, ये हो गया स्टॉप कॉक। ये हो गया कॉनिकल सॉकेट। अच्छा, अब क्या करेंगे इसमें, ये परमिएबिलिटी टेस्ट में, कि सबसे पहले परमिएबिलिटी सेल में कॉनिकल डिस्क लगाएं, ये परफोरेटेड डिस्क लगाएंगे। परफोरेटेड डिस्क लगाने के बाद में इसमें M1 ग्राम सीमेंट लेंगे, उसको इसमें रख देंगे इसके ऊपर, परफोरेटेड डिस्क के ऊपर से लगा देंगे फिल्टर पेपर। अच्छा, अब इस प्लंजर को लाएंगे और इस कॉनिकल जो परमिएबिलिटी सेल में ये इस प्लंजर को पेनिट्रेट करवाएंगे, कॉम्पैक्ट करवाएंगे सीमेंट को। अच्छा, एक बार कॉम्पैक्ट करवा दिया, अब जेंटली इसको रिलीज करेंगे अपर साइड में और 90 डिग्री रोटेट करके फिर एक और बार कॉम्पैक्ट करवाएंगे, ताकि और अच्छे से इसका कॉम्पैक्शन हो जाए सीमेंट का। अच्छा, अब इसको बाहर निकाल लिया, अब यहाँ पे अपने पास रहता है लैब में यूट्यूब मैनोमीटर, इसमें क्या रहता है, सबसे ऊपर रहता है कॉनिकल सॉकेट, फिर इसमें चार ईच लाइन रहती है 1 2 3 4, और यहाँ पे एक टी जॉइंट रहता है, यहाँ पर स्टॉप कॉक बना हुआ है खोलने के लिए और बंद करने के लिए, यूट्यूब मैनोमीटर में से कुछ भी जैसे लिक्विड रिलीज करना है उसके लिए स्टॉप कॉक है। अच्छा, यहाँ पे रबर बाल रहता है, यहाँ से एयर प्रेशर अंदर यूट्यूब मैनोमीटर में हम रेज करेंगे। अच्छा, अब इस कॉम्पैक्टेड सीमेंट जो परमिएबिलिटी सेल है उसको यहाँ पे कॉनिकल सॉकेट पे लाके प्लेस किया, और इसमें यूट्यूब मैनोमीटर में नॉन हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड भरेंगे, जो कि नॉन वोलेटाइल भी रहेगा और लेस विस्कस भी रहेगा, यानी विस्कोसिटी उसकी कम रहेगी, उसको यहाँ पे भरा हमने। अब क्या किया हमने, इसको स्टॉप कॉक को खोला, यहां तक भरेंगे, और अब उसको रबर बल्ब से प्रेशर रेज किया। अच्छा, अब ये 1 2 3 4 चौथी लाइन पर
जब लिक्विड पहुंच जाएगा अपना तो इसको स्टॉप कॉक को बंद कर देंगे। स्टॉप कॉक को बंद कर दिया हमने, अब क्या करेंगे यहां से स्टॉप कॉक को खोलेंगे, धीरे धीरे इस लाइन पे लाएंगे लिक्विड को, फिर इस पे। अच्छा जब लाइन पे लाएंगे तो टी टाइम में जैसे चौथी, इसको कह देंगे हम M1 M2 M3 M4। अच्छा M1 से जब M2 पे आपका लिक्विड आएगा तो कितना समय लगा और कितना टेम्परेचर पे आया, ऐसे ही हम M3 पर आएंगे M4। ये तीन बार हम करेंगे इसका ट्रायल लेंगे तीन बार। अच्छा अब ये कॉम्पैक्टेड है, उसके थ्रू हम देखेंगे कि उसकी परमिएबिलिटी कितनी है। अच्छा ये बेस रहता है एक तो सीमेंट के बेड पर, और ये यहाँ से जो फॉर्मिंग एयर है उसके बेड पर। अच्छा अब इसको देखेंगे हम कि 4 OPC के लिए कितना रहेगा, ये शुड नॉट बी लेस देन 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। अच्छा 4 OPC RSC के लिए कितना रहेगा ब्रेंस, ये आपका स्पेसिफिक सरफेस एरिया शुड नॉट बी लेस देन 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। अच्छा ये क्या बताता है हमको स्पेसिफिक सरफेस एरिया, यदि हम 1 किलोग्राम सीमेंट लें और उसका 1 मीटर स्क्वायर का एरिया देखें कि ये कितना कवर कर रहा है इसके पार्टिकल, तो हम कहेंगे कि ये उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया है, ये इसकी CGS यूनिट है। अगर मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम लिखें तो इसकी SI यूनिट हो जाएगी। अच्छा जितनी ज्यादा इसकी स्पेसिफिक सरफेस एरिया रहेगा उतनी ज्यादा फाइनल रहेंगे पार्टिकल, कैसे कि देखो वहीं पर जैसे हम बात करें कि एक कोर्स पार्टिकल है और एक फाइनल पार्टिकल है, ये फाइनल पार्टिकल है सीमेंट के, ये फाइनल पार्टिकल। अच्छा इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम रहेगा कंपेयर टू ये फाइनल पार्टिकल के, ये ज्यादा स्पेसिफिक सरफेस एरिया कवर करेंगे, तो कहेंगे कि हम कि जितना ज्यादा फाइनल सीमेंट उतना ज्यादा उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया। तो चलिए दोस्तों आगे और टेस्ट के बारे में बात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको सेशन कैसे लगा, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।